रायपुर से एक बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है। आपको बता दें, जहां राजनीतिक हलचलों के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। रायपुर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल को मानहानि का नोटिस जारी हुआ है। आपको बड़ी खबर रायपुर से बता दें, जहां पर सीएम भूपेश बघेल को मानहानि का नोटिस जारी हुआ है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को भी मानहानि का नोटिस जारी हुआ है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल के वकील के माध्यम से ये नोटिस भेजा गया है। कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मानहानि का नोटिस जारी हुआ है। ब्रजमोहन से बड़ा गुंडा कौन वाले बयान पर यह नोटिस दिया गया है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को भी मानहानि का नोटिस जारी हुआ है। वहीं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को भी मानहानि का नोटिस जारी हुआ है। राजनीतिक हलचलों के बीच इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता मोहन तिवारी जी जुड़ गए हैं। मोहन जी, क्या कुछ है मामला? मानहानि का नोटिस भूपेश बघेल को जारी हो गया है। देखिए, मतदान के ठीक पहले आपको पता होगा कि रायपुर दक्षिण में एक विवाद की घटना सामने आई थी, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजमोहन अग्रवाल के साथ बैजनाथ पारा में विवाद हुआ था। इस घटना को लेकर ब्रिजमोहन अग्रवाल ने प्रदर्शन किया था और कांग्रेस ने जो प्रतिक्रिया दी थी उसमें ब्रिजमोहन अग्रवाल को मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी ने अपने बयानों में सबसे बड़ा गुंडा बताया था। अब इस सबसे बड़े गुंडे होने के बयान को चैलेंज करते हुए इसे मानहानि बताया है ब्रिजमोहन अग्रवाल ने, और एक जो लीगल नोटिस होता है वो मुख्यमंत्री को भी भेजा है और सुशील आनंद शुक्ला को भी भेजा, तो दोनों को ये नोटिस भेजा गया है। और ये पूछा गया है कि आपने जो बयान दिया कि सबसे बड़ा गुंडा ब्रिजमोहन अग्रवाल है, तो वो किस आधार पे कहा, क्या इसका आपके पास साक्ष्य है, कोई धारा ब्रिजमोहन अग्रवाल पर इस तरीके की गुंडा एक्ट के तहत लगी है क्या? अगर ये साबित नहीं होता तो ये मानहानि का केस आगे चलेगा और आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। तो फिलहाल एक लीगल नोटिस दिया गया है। राजनीति में इस तरीके के पैतरेबाजी कई जगह देखी जाती है, क्योंकि इस तरीके के मामले स्टैंड नहीं करते और रास्ता केवल जो है खेद व्यक्त करने का बचता है, तो उसे हासिल करने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी ब्रिजमोहन अग्रवाल ने शायद ये नोटिस वाला दांव चला है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये मानहानि का नोटिस जारी हुआ है उसके बाद कांग्रेस की कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है क्या सामने? कांग्रेस तो अभी कुछ इसमें नहीं कह रही है, लेकिन लीगल नोटिस है तो लीगल तौर पर इसका जवाब देने की तैयारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी नाम है इसमें और सुशील आनंद शुक्ला का भी है, तो दोनों की ओर से एक लीगल जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर संतुष्ट जवाब से ब्रिजमोहन अग्रवाल के वकील या वो नहीं होते हैं तो ये केस फिर आगे चलेगा। जी धन्यवाद, हमारे साथ मोहन तिवारी जी जुड़े हुए थे, हमारे न्यूज एडिटर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल के ऊपर मानहानि का नोटिस जारी हो गया है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को भी मानहानि का ये नोटिस जारी हुआ है। ब्रजमोहन अग्रवाल के वकील के माध्यम से ये नोटिस भेजा गया है, जिसमें ब्रजमोहन अग्रवाल से बड़ा गुंडा कौन के बयान पर ये नोटिस जारी किया गया है।